अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कोविड-19 लॉकडाउन के लेक्चर नंबर 2 के साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और हमारे जो लेक्चर्स की सीरीज चल रही है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2 है आज जो आपके सामने मैं पेश करूँगा। लेकिन उससे पहले लेक्चर 1 की थोड़ी सी रिविज़न हो जाए। उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट की थी, वो क्या था देखिए, उसकी डेफिनेशन थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन है, एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसको सिंपल वर्ड्स में अगर कहें, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज़ 2। एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज़ 2 इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमने डिस्कस की थी, वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। और जिसमें ए बी सी जो तीनों कॉन्स्टेंट हैं और बी और सी जो है वो 0 या कोई भी नंबर हो सकते हैं। इट मीन्स दैट कि ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी और बी और सी जो है वो 0 या कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे आपके सामने एग्जांपल मैंने बताई थी, एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें बी की वैल्यू मिसिंग है, इट मीन्स दैट कि बी 0 है। और दूसरी एग्जांपल मैंने आपको बताई कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू 0, यानी सी मिसिंग है तो सी की वैल्यू 0 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। फिर इसकी कुछ पॉइंट्स याद रखने के हैं जो एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं कि ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज अ कर्व। अगर हम कभी इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो हमेशा कर्व बनेगा। दूसरा ये कि इसके रूट्स हमेशा 2 आते हैं, द रूट देयर आर 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स मीन द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। देयर आर 3 डिफरेंट मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर 1 यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, नंबर 3 फैक्टराइजेशन। वी विल डिस्कस नंबर 1 मेथड यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला फॉर द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक फार्मूला है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं सॉल्यूशन के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मस्ट बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म बिफोर सॉल्यूशन। सेकंड, प्रॉपरली फार्मूला यूज़ होना चाहिए, फार्मूला मस्ट बी यूज प्रॉपरली। नंबर 3 इज़ आंसर विल बी शोन इन कर्ली ब्रैकेट्स। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड सॉल्यूशन सेट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + 5x + 3 = 0। सॉल्यूशन है, सबसे पहले हम क्या करें, कंपैरिजन करेंगे गिवन इक्वेशन का। ये गिवन इक्वेशन है, इसको कंपेयर करें किसके साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो कंपेरिजन से आपको क्या मिलेगा, ए 2 से कंपेयर होगा, बी 5 से होगा और सी 3 से होगा। तो वी गेट ए 2 बी 5 एंड सी 3 यूजिंग फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया, इसमें वैल्यूज़ पुट की हमने, जो जो वैल्यूज़ आपके पास हैं, ए की जगह पे 2 आएगा, बी की जगह पे 5 आएगा एंड सी विल रिप्लेस विद 3। तो देखें आपके सामने सारी वैल्यूज पुट कर दी है। बी की वैल्यू पुट की और 5, फिर ए की वैल्यू, फिर 3 और फिर ये 2 पुट किया ए की जगह पे। फिर ये 25 - 24 हुआ, 5 का स्क्वायर और उसका आंसर आया 1। माना 1 का रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकाला 1 का, 1 आ गया। अब ये जो बीच में प्लस माइनस है उसको दो बार ब्रेकर के लिखेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। आइदर -5 + 1/4 और -5 - 1/4। -5 और +4 + 1 होगा -4 और -5 और -1 होगा -6। ये दोनों कैंसिल होंगे, 4 और 4 1 आ जाएगा, 6 और 4 कैंसिल होंगे, 3 और 2 आ जाएगा और यही आपका आंसर है 1 - 1, -3/2। सॉल्यूशन सेट के अंदर एक्स नहीं लिखते, सिर्फ उसकी वैल्यूज़ लिखते हैं। तो जैसे आपने ऊपर देखा था कि सॉल्यूशन सेट कर्ली ब्रैकेट में होना चाहिए, तो ये कर्ली ब्रैकेट में है और इसका जो आंसर है वो 2 वैल्यूज़ हैं। देयर आर 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने डिस्कस किया था। आज हम सेकेंड लेक्चर की बात करते हैं, उसमें भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 2x² - 5x + 3 = 0। इसको भी हम पहला स्टेप वही कंपेयरिंग करेंगे गिवन इक्वेशन को विद स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर किया तो ए की जगह पे 2 आया, बी की जगह पे -5, सी की जगह पे 3। ए 2 बी 5 सी 3। क्लियर, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, फार्मूला यूज़ करेंगे और इसमें पुट ऑल वैल्यूज़ कर देंगे, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, फिर ये बी की वैल्यू -5 है, फिर ए की वैल्यू, फिर ये सी की वैल्यू, फिर ये ए की वैल्यू, -5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस की वैल्यू लगाने का आपको जो पॉइंट क्लियर करना है वो ये है कि यहाँ पर स्टूडेंट की जो मिस्टेक होती है वो -5 का स्क्वायर -25 कर देते हैं। इस चीज़ को आपने समझना है, यहाँ पर स्क्वायर से वो माइनस ख़त्म हो गया,
फिर ये 4 2 8 8 3 24 आ गया, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और नीचे 2 2 4 हो गया। ट्वेंटी फाइव में से 24 माइनस होगा वही आ जाएगा 1 1 का रूट निकालेंगे प्लस माइनस 1 आ जाएगा। 5 + 1/4 एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे 5 - 1/4। इसी तरह 5 और 1 प्लस हो गया 6 6/4 आ गया, 5 - 1 होगा 4 होगा, 4/4 आएगा, ये दोनों कैंसिल होंगे, 6 और 4 3/2 आएगा, 4 और 4 कैंसिल होंगे 1 आ गया। तो ये 3/2 - 1 या 1 पहले लिखते हैं 3/2 बाद में लिखते हैं, नो इशू। क्लियर, यहाँ था हमारा लेक्चर 2 था और ये थर्ड क्वेश्चन है, ये आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसके प्रैक्टिस करें। इसमें मैंने माइनस लगा दी 3 के साथ, क्वेश्चन नंबर 1 में सारी वैल्यूज प्लस की थी, क्वेश्चन 2 में यहाँ पर माइनस लगाया था और क्वेश्चन 3 में मैंने यहाँ माइनस लगा दिया। तो इसको आप खुद प्रैक्टिस करें, सॉल्व करके देखें क्या चेंजिंग आती है आंसर में। थैंक यू।